हमारी दुनिया में पांच महासागर, ये तो तुमको पता ही होगा, पांचों के नाम भी पता होंगे नहीं। लेकिन तुमको क्या पता है कि सबसे बड़ा महासागर मतलब सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। लेकिन आज का वीडियो ये पैसिफिक ओशियन की गहराई के बारे में या उसमें मौजूद खतरनाक जानवरों के बारे में बताने के लिए नहीं है, बल्कि एक इंसान की कहानी के बारे में है जो कि पैसिफिक ओशियन में गुम हो गया था। मतलब ये ओशियन इतना बड़ा है कि इसमें अगर कोई इंसान तो क्या पूरा शिप भी गुम जाए ना तो उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि ये इतना ज्यादा बड़ा है। तुम सोच रहे हो हाँ भाई ओशियन है तो बड़ा तो हो गई, भाई ऐसी वैसी बात नहीं है। ये 16 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर के साइज का ओशियन है, 16.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। मतलब इसमें हमारी पूरी दुनिया के सारे नदी पहाड़ नाले सारी जमीन सबको मिलाकर भी घुसा दिया जाए ना तो भी दो बार वो चीज चली जाएंगी, इतना बड़ा है ओशियन। और जो दुनिया की सबसे गहरी जगह है ना मरियाना ट्रेंच, वो भी यहीं पर मौजूद है। तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि ये जो पैसिफिक ओशियन है ये कितना ज्यादा डेडली है। और इस खतरनाक समंदर में एक आदमी खो गया, वो भी 10-12 दिन के लिए नहीं, 1-2 महीने के लिए नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 438 दिन के लिए। और ये करके उस इंसान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जाने अनजाने में ही सही, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसे कभी कोई भी नहीं तोड़ सकता। लेकिन इस इंसान के साथ 438 दिन तक जो हुआ वो किसी को भी तोड़ के रख सकता है। मतलब लिटरली इस इंसान के जज्बे को सलाम के ये 14 महीने तक समुद्र के बीच में एक छोटी सी बोट पर अकेला जिंदा रहा। ये कहानी है जो सेल्वाडोर एल्वारेंगा की। हुआ कुछ यूं कि साल 2012 में मैक्सिको के एक छोटे से गांव एल सेल्वाडोर में जोस नाम का एक बंदा रहता था जिसकी उम्र करीब 36 साल थी। जोस और उसका एक फ्रेंड कॉर्डोबा दोनों मछुआरे थे और ये दोनों 17 नवंबर 2012 को मैक्सिको के कोस्टा अजुल से मछली पकड़ने के लिए समुन्दर में निकले। उन्होंने एक छोटी सी बोट से अपना सफर शुरू किया क्योंकि उनके पास छोटी सी ही बोट थी। उस बोट पर उनके पास एक छोटा सा फ्रिज था जिसमें वो मछलियां रखते थे, वही मछलियां जिन्हें वो पकड़ते थे। एक छोटा सा रेडियो था उनके पास और था उस बोट पर एक छोटा सा इंजन जिसकी वजह से वो बोट चलती थी। तो भैया ये पूरा तामझाम लेकर ये दोनों दोस्त निकल पड़े समंदर के अंदर मछली पकड़ने के लिए। इनका प्लान था कि ये ज्यादा नहीं मात्र 200 किलोमीटर अंदर जाएंगे, मछली पकड़ेंगे, 24 घंटे पानी में रहेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे, क्योंकि भैया इतना ही खाना पीना लेकर वो लोग गए थे। और भैया पूरी रात समंदर में काटना हर किसी के बस की बात नहीं होती, तो रात होने से पहले उनको किसी भी हालत में घर वापस लौटना था। ये दोनों बेसिकली एक मछली पकड़ने वाली कंपनी के लिए काम करते थे, उनके एम्प्लॉय थे। इनका काम था जाना मछली पकड़ना, शाम को आकर मछलियों को उस कंपनी के ऑफिस में जाकर सबमिट कर देना। दिन बड़ा सुहाना था, दोनों को बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन उनको नहीं पता था कि आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो उनके दिन को बहुत ही ज्यादा बदतर बना देने वाला है। करीब 100 किलोमीटर दूर जाकर उनको एहसास हुआ कि समंदर में जो मौसम है ना वो बदलने लग गया है, तेज हवाएं चलने लग गई है, तूफान सा आने लग गया है। और जब उनको ये एहसास हुआ कि तूफान बहुत ही ज्यादा बड़ा है, उन्होंने अपने फैलाए हुए जाल को वही समंदर में छोड़ा और उल्टे पांव किनारे की तरफ अपनी बोट घुमा दी, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये जो तूफान है ना ये कोई छोटा मोटा तूफान नहीं है। उन्होंने फुल स्पीड से लगातार 6 घंटे अपनी बोट किनारे की तरफ भगाई। ऐसा करके उन्होंने तूफान को बहुत पीछे छोड़ दिया, उनकी जान बच गई। हालांकि उन मछली पकड़ने वाले उनके जाल वहीं पानी में छूट गए, लेकिन उनको किनारा दिखने लग गया था। ये किनारा करीब था 20 किलोमीटर दूर, उनको अपना शहर दिखाई देने लग गया था, वो लोग काफी खुश थे। लेकिन तभी भैया अचानक से उनकी जो मोटर थी वो फूक गई, मतलब के जो इंजन था नाव का वो खराब हो गया, क्योंकि लगातार 6 घंटे उन्होंने इंजन को फुल स्पीड में जो चलाया था। किनारा उनसे बहुत पास था, करीब 15-20 किलोमीटर थे, लेकिन इंजन खराब होने की वजह से वो किनारे तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अब जोश ने दिमाग लगाया, अपना रेडियो को स्टार्ट किया और अपने ऑफिस में उन्होंने इमरजेंसी सिग्नल भेजा। रिप्लाई आने का वो लोग वेट करते रहे, लेकिन भैया सुबह से लेकर शाम हो गई, रात हो गई, कोई रिप्लाई नहीं आया। और इस रिप्लाई का वेट करने के चक्कर में उनके रेडियो की जो बैटरी थी वो भी डेड हो गई। इतना इंतजार करने की वजह से वो जो तूफान था वो उन तक पहुंच गया। अब चूंकि उनकी नाव का इंजन तो खराब था, उनके पास नाव को कंट्रोल करने के लिए कोई चप्पू भी नहीं था, रेडियो भी उनका डेड हो चुका था, तो अब उनकी नाव थी तूफान के हाथ। उनकी नाव को तूफान अपनी तरफ खींचने लग गया और वो ना चाहते हुए भी समुंदर में और गहराई में जाने लगे। गहराई से मेरा मतलब नीचे नहीं, गहराई से मेरा मतलब है समुंदर के बीच में। तूफान की तरफ उनकी नाव बढ़ने लगी, मौसम खराब होता जा रहा था, उनके चेहरों पर पानी के और बारिश के थपेड़े लग रहे थे, और साथ ही साथ अंधेरे में उनको अपना शहर दूर होता हुआ, अपनी आंखों से ओझल होता हुआ दिखाई दे रहा था।
और वो दोनों कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। मौसम खराब होने की वजह से आसपास कोई और बोट मौजूद भी नहीं थी जो उनकी मदद कर पाए। उनको गायब हुए करीब 5 दिन हो गए थे। उनको बॉस को जो इमरजेंसी सिग्नल मिला था उस वजह से बॉस ने एक टीम भेजी उन्हें ढूंढने के लिए, लेकिन उस टीम को कोई भी नहीं मिला क्योंकि जोस और उसका फ्रेंड अपनी बोट में तूफान की वजह से करीब 450 किलोमीटर दूर जा पहुंचे थे किनारे से। उनके चारों तरफ बस पानी ही पानी था और उसमें पानी में थी एक छोटी सी बोट। ये बोट समुन्द्र में इतनी छोटी थी कि किसी बड़ी बोट को, शिप को या हेलीकॉप्टर को वो दिखती ही नहीं, क्योंकि ये ओशन इतना बड़ा है ना कि इसमें बड़े से बड़े आइलैंड भी एक छोटे से डॉट की तरह दिखाई देते हैं। ये दोनों बहुत बुरी तरीके से फंस गए थे। ना इनके पास खाने के लिए खाना था, ना पीने के लिए पानी था, ना ही सिग्नल भेजने के लिए इनके रेडियो में बैटरी बची थी। तो इन दोनों ने जान बचाने के लिए लगाया अपना दिमाग। चूंकि ये लोग बहुत ही प्रोफेशनल मछुआरे थे तो इन्होंने हाथों से मछलियां पकड़नी शुरू की। फिर उन मछलियों को अपनी बोट पर रख दिया ताकि उनसे आकर्षित हो बहुत सारे पक्षी। फिर ये उन पक्षियों को पकड़कर उनको खाया करते थे और इस तरीके से उन्होंने अपनी भूख मिटाई बोट पर। पीने के लिए वो समुद्र का पानी नहीं पीते थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि समुद्र का खारा पानी पीने से उनकी बहुत जल्द मौत हो जाएगी, इसलिए वो बारिश का इंतजार करते थे और नाव में भरा जाने वाले बारिश के पानी को इकट्ठा करके वो लोग पिया करते थे। लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसा दौर भी आया जब 15-15 दिन तक बारिश ही नहीं हुई। इन लोगों की हालत प्यास से खराब होने लगी थी। तब इन लोगों ने फैसला किया कि इन लोगों को अब अपनी जान बचाने के लिए खून पीना पड़ेगा। तो जोस और उसके दोस्त ने पकड़ी गई मछलियों और पकड़े गए पक्षियों का खून पीकर अपनी प्यास बुझानी शुरू की। उनके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। इसी तरीके से दिन बीतते गए, कई महीने बीत गए। उन दोनों की हालत इतनी खराब थी कि उनकी पसलियां निकल आई थी। वो लोग जो मेंटल और फिजिकल टॉर्चर झेल रहे थे वो इमेजिन करना भी मुश्किल है। आप इमेजिन करो कि आप अगर ऐसी हालत में फंस जाओ तो आप कितने दिन तक सर्वाइव कर पाओगे, जहां आपके पास कोई भी नहीं है, दूर दूर तक पानी ही पानी है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। आप बचे हुए हो केवल पकड़ी गई मछली और पक्षियों के दम पर जिनका मांस आपको कच्चा खाना पड़ रहा है। और इसी मेंटल टॉर्चर के चलते जोस का जो दोस्त था उसने फाइनली अपनी जान देने का फैसला कर लिया, क्योंकि भैया वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ चुका था, भूखा था, उससे ये सब देखा नहीं जा रहा था। तो एक समय ऐसा आया जब करीब 4 महीने बीत गए थे और जो जोस का दोस्त था उसने हिम्मत खो दी और वो जोस को अकेला छोड़कर चला गया। अब इस बोट पर जोस अकेला ही था। उसके पास पहले कम से कम बात करने के लिए कोई था, एक दोस्त था उसके पास, लेकिन अब तो वो पूरी तरीके से अकेला था। उसे करीब 4 महीने से ज्यादा हो चुके थे बोट पर, उसने जमीन नहीं देखी थी। उसके कपड़े फटने लगे थे, कपड़े गलने लगे थे, उसके पाँव का जो मांस था वो गीले पानी में रहने की वजह से गलने लग गया था। लेकिन करीब 6 महीने बाद जोस को दिखाई दी उम्मीद की किरण, एक बहुत बड़ा कार्गो शिप उसके बोट के पास से गुजरा। जो उसने पूरी जान लगा दी, हर संभव कोशिश की, उसने हर तरीके से हाथ हिलाकर चीजें दिखाकर कोशिश की कि भाई शिप पर जो मौजूद है कोई तो मुझे देख ले, मेरी जान बचा ले। लेकिन वो कार्गो शिप था, उसका सारा क्रू अंदर था, बाहर केवल बड़े बड़े कंटेनर्स थे। किसी ने भी उस शिप में से जोस को नहीं देखा, वो शिप आगे चला गया और जोश जो था ना वो पूरी तरीके से उसका जोश ठंडा हो गया, टेक्निकली बोला जाए तो। उसकी जो बचने की एक आखिरी उम्मीद थी ना वो भी टूट गई। कहते हैं ना कि इतने महीनों के बाद जो उम्मीद की किरण दिखाई दी और वो एकदम हाथ से छूटती हुई दिखाई दी, तब जोस का भी दिमाग खराब हो गया। मतलब वो भी उस शिप को जब जाते हुए देख रहा था तो उसको भी लग रहा था कि शायद अब उसका बच पाना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 6 महीने में एक शिप दिखा था। अगर 6 महीने और उसे किसी शिप के लिए वेट करना पड़ा तो वो इतना लंबा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। करीब 11 महीने हो गए, 8,000 किलोमीटर अंदर तक समुद्र में पहुंच गया था जोस अपनी नाव के साथ। और 30 जनवरी 2014 को फाइनली उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उसकी आंखों में चमक ला दी। उसे पानी में नारियल दिखाई, वो समझ गया कि पास में ही कोई आइलैंड है। उसने नाव को अपने हाथों से चलाना चालू किया उस दिशा में जहां से नारियल आ रहे थे और फाइनली उसको कई महीनों के बाद एक आइलैंड दिखाई दिया। वो आइलैंड देखकर जोस की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कई महीनों से जमीन नहीं देखी थी, लेकिन चूंकि बोट का कंट्रोल उसके हाथ में था नहीं और ऐसा ना हो कि तेज हवा की वजह से बोट आइलैंड से दूर चली जाए, तो इस डर की वजह से जोस अपनी नाव से कूद गया और तैरते हुए आइलैंड पर पहुंचा। उस आइलैंड पर बड़े बड़े नारियल के पेड़ लगे हुए थे। थोड़ा अंदर जाने पर उसने देखा तो वो हैरान रह गया। वहां पर एक बीच हाउस था और वहां पर लोग थे। उसने लोगों से जाकर मदद मांगी, अपने साथ हुई बात बताई। शुरू में तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन लोगों के पास डॉक्टर था, दवाइयां थी, उन्होंने जोस का इलाज किया, उसे खाने पीने के लिए चीजें दी। फिर उसके बाद जोस के जो आइलैंड था जहां से उसने जर्नी स्टार्ट की थी वहां उसकी कंपनी के हेड ऑफिस में कॉन्टेक्ट किया गया। तो आप यकीन नहीं मानोगे, 14 महीने में जोस पहुंच चुका था मार्शल आइलैंड के एक छोटे से आइलैंड पर जो उसके स्टार्टिंग पॉइंट से 14,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर था। मैंने खुद गूगल पर सर्च किया है, जिस जगह पर जोस को आइलैंड मिला था वो थी एबोन अटोल और ये कोस्टा अजुल से 14,385 किलोमीटर दूर है। फाइनली जोस जिंदा बच गया, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, उसके घर वाले उसे मिल गए। लेकिन उसके साथ एक ट्रेजेडी हो गई कि जैसे ही वो ठीक हुआ उसको पुलिस ने आकर गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि जोस का जो दोस्त था उसके घर
घरवालों ने ये केस कर दिया जोस के ऊपर कि इसने अपनी जान बचाने के लिए हमारे बेटे को मतलब जोस के दोस्त को ऊपर पहुंचा दिया। लेकिन थोड़ी बहुत कानूनी कार्रवाई के बाद जोस को छोड़ दिया गया क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। जोस भी कह रहा था कि भैया मैं अपने दोस्त को क्यों मारूंगा। फाइनली 438 दिन समंदर में बिताने के बाद जोस फाइनली जमीन पर आ चुका था और उसको ऐसा लग रहा था कि उसको नया जीवन मिल चुका है। हालांकि जोस का जो दोस्त था वो इतना लकी नहीं था, लेकिन जाने अनजाने में जोस ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया, मैक्सिमम डे ओशियन में बिताने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसे तोड़ने की अभी तक किसी ने हिम्मत नहीं की है। और जोस की इसी जर्नी को लेकर एक किताब भी लिखी गई जिसका नाम था 438 डेज। ये एक बेस्ट सर्वाइवल बुक है जिसमें जोस ने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि कैसे वो इतने महीनों तक अकेला समुंदर में बीच में एक नाव में जिंदा रहा, उसने कैसे खुद को बचाया, उसने कैसे अपने हिम्मत को टूटने नहीं दिया। यार तुम मुझे बताना कि अगर ऐसी सिचुएशन भगवान ना करे तुम्हारे साथ कभी भी हो, लेकिन अगर हो जाए, इमेजिन करके देखो, तो तुम मतलब कितने दिन सर्वाइव कर पाओगे। मतलब देखो मैं तो बहुत लंबे समय तक सर्वाइव करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि मुझे पानी से डर लगता है, गहराई से डर लगता है, ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी लहरों से और अकेलेपन से डर लगता है। तो भैया क्या पता मैं 24 घंटे में हार मान लूं। लेकिन भैया इस बंदे ने जो करके दिखाया है ना, वो वाकई में हर कोई नहीं कर सकता। या फिर ये भी कह सकते हैं कि भैया ऊपर वाला जिसको बचाना चाहता है उसे कोई मार नहीं सकता। एनीवे तुम तो मार सकते हो लाइक के बटन पर अपनी उंगली, कि अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है तो भैया जोश की कहानी जब मैंने पढ़ी ना तो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड किया इस स्टोरी ने, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। चूंकि अभी हम साइंस के टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन बीच में मैंने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए तो और मजा आएगा। तो अगर इस तरीके की तुम इंस्पायरिंग स्टोरी सुनना चाहते हो तो अपन एक सीरीज उसकी भी चालू करेंगे, जहां पर मैं आपको ऐसे लोगों की कहानी बताऊंगा जो बहुत मुश्किल हालत में के बाद भी सर्वाइव कर गए। तो अगर तुम चाहते हो कि गौरव पटेल चैनल पर ये सीरीज स्टार्ट की जाए तो मुझे कमेंट करके बता देना। ये वीडियो कैसा लगा ये भी बता देना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में। और हाँ, कभी भी समंदर में जाओ ना तो एक्स्ट्रा बैटरीज जरूर रख के ले जाना।